Hello, everyone. My name is Surabhi Singh, and today I will discuss the question from project management that was asked in 2018. And earlier, I have discussed the question asked from 2017. So, I have divided all the questions of project management year wise. Hopefully, this type of video will help you a lot in solving questions. So, let's begin with the first question first question was asked that cpm critical path method that i have discussed in my video so go and watch all the videos of my project management there is 17 or 18 videos are around in which i will cover almost all the syllabus so cpm method of network analysis is ideally suited for linearly extending work mean essential for research and development activity third is activity oriented

पर मैंशन कर दे रही हूँ कौन से नंबर का वीडियो है आपको इस वीडियो में नीचे लिंक में देखने को मिल जाएगा सो so, यहाँ पर जो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है वो बेसिकली पर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है सी के लिए नहीं होती है तो so, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड आइडली सुटेड फॉर लीनियरली एक्सटेंडिंग वर्क दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही होगा थ्री एंड फोर यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नाउद टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट इज मेयरली शेड्यूलिंग ऑपरेशन वाइल द प्रिपरेशन एंड एनालिस ऑफ अर नेटवर्क इज प्लानिंग फंक्शन सही बात है अगर हम बार चार्ट की बात करते हैं तो ये आपका शेड्यूलिंग ऑपरेशन का फंक्शन होता है सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं अब बार चार्ट प्राइम फेज ही ड नॉट शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज बिल्कुल हम जो बार चार्ट की बात करते हैं इसका जो लिमिटेशन होती है जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई है वो यही है कि इंटर रिलेशनशिप को नहीं सुनता है टाइम एंड कॉस्ट के बीच में कि एक एक्टिविटी को को बढ़ाएंगे या एक एक्टिविटी के बढ़ाने या घटाने से दूसरे एक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है यानी जो आंसर बी जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट ए का Next question is Project management is essentially the process to plan its implementation and to predetermine the period wise need of resources, including funds and personnel, given the choice of total duration and quality standard.

नेक्स्ट क्वेश्चन आस्ट इज़ इन अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर टॉप डाउन अप्रोच इज अडॉप्टेड ड्यूरेशन अलॉन्ग क्रिटिकल पार्ट इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन परमिसेबल एंड द थर्ड इज पर्ट इज द प्रोबलिस्टिक इन इट्स अप्रोच तो ये क्वेश्चन भी आप अगर आप मेरा वीडियो सुने होंगे तो ये बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर ये दो तीनों ही स्टेटमेंट सही है मैंने क्रिटिकल पाथ के बारे में भी बताया हुआ है आपको अपनी वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं नीचे लिंक डालती जा रही हूँ कि कौन सा वीडियो यहाँ पर किस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी प्ले मिल जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर यानी वन टू एंड थ्री तीनों ही सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रोजेक्ट देयर आर नाइन एक्टिविटीज़ ए बी सी डी which आर sequential ठीक है ए बी सी डी कह रहे हैं कि सीक्वेंशियल है मैं यहाँ कर लेती हूँ ए बी सी डी आपके सीक्वेंशियल हैं ई एफ जी which आर सीक्वेंशियल ई एफ एन जी आपके सीक्वेंशियल है उसके बाद से एच के भी सीक्वेंशियल है यानी एच और के सीक्वेंशियल हैं उसके बाद ये कहता है ऑल्सो ई एफ जी रन पैरल टू बी सी डी ठीक है मैंने ऐसा ही बनाया है कि ई एफ और बी और सी डी एक दूसरे के पैरल में रन कर रहे हैं मैं डायग्राम बहुत अच्छे से यहाँ पर नहीं क्लियर कर पा रही हूँ पीछे के पेज पे डायग्राम बना हुआ है मैं आपको समझाने के लिए ही बना रही हूँ पैरल टू बी सी डी एन एच एन के रन पैरल टू ए बी सी डी ठीक है तो ये पैरल में आपका रन कर रहा है ठीक है ऐसा कुछ डायग्राम है अब क्या कहता है बिसाइड दीज एक्टिविटी डिपेंडेंसी इट इज़ ऑल्सो नीडफुल दैट बी बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग जी तो बी आपका तभी कम्प्लीट होगा जो बी है वो बिफोर टेकिंग द जी ठीक है बिफोर टेकिंग अप जी यानी यहां से एक आप डमी पाथ जोड़ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कहता है ए एन एच बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग अप डी एंड के ठीक है तो ए और एच तभी कंप्लीट होगा जब डी और के के पहले यानी आपको कंप्लीट होना चाहिए तो यहाँ पर एक तरीके से आप इसको बना सकते हैं डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं क्लियरली यहाँ पर ये यह डायग्राम शो होने को मिलेगा कि ए और एच जो है आपका डी और के से पहले कंप्लीट होनी चाहिए यहाँ पर मैं हाँ तो अगर ए और एच पहले कंप्लीट होने चाहिए तो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको ये डमी एक्टिविटीज़ का कंप्लीट होना ज़रूरी है यानी के के लिए एच का कंप्लीट होना ज़रूरी है इसलिए आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं और यहाँ से आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं पर आपको बेसिकली तीन डमी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं जो आपका ये तीन स्टेटमेंट कंप्लीट करती हैं लाइक इट इज़ ऑल्सो नीडफुल दैट बी बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग अप जी यानी बी ये आपका अगर हम बात करते हैं बी वी कंप्लीटेड यहाँ आपका बी है सी डी बिफोर टेकिंग अप जी ठीक है जी की कंप्लीट होने से पहले हमारा बी कंप्लीट हो जाना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये एक डमी पाथ होगा यानी ये अगर आपका बी है ठीक है तो जी के कंप्लीट होने के पहले बी कंप्लीट होना चाहिए तो ये एक डमी पाथ हो चुका रहेगा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो स्टेटमेंट कह रहा है आपका ए एन एच बी कम्प्लीटेड बिफोर डी एन के एन एच तो ए एन एच ये बी है ये सी है ये डी है ए एन एच अगर हम एच को कम्प्लीट बिफोर डी एन के तो डी हमारा यहाँ पर है तो इसके कम्प्लीट होने के लिए ये कम्प्लीट होने का मतलब है कि के यानी यहाँ पर एक डमी पाथ बनेगा और डी के कंप्लीट होने के पहले एच कंप्लीट होना चाहिए यानी यहाँ एक डमी पाथ बनेगा जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहा है तो ये लास्ट थ्री स्टेटमेंट आपके डमी पाथ के लिए ही बनाए गए हैं तो हाउ मेनी डमी आर टू बी ड्रॉन तो आंसर हो जाएगा तीन डमी एक्टिविटी का मतलब ही क्या है कि डिपेंडेंसी शो कर रहा है यानी जैसे इस स्टेटमेंट पर आपने यहाँ पर देखा जो ये लाइन बोल रही है इट इज़ नीडफुल दैट बी बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग अप जी तो बी ये आपका बी है ये सी है ये डी है बी का कंप्लीट होना जरूरी है जी के पहले तो एक डमी पाथ ये हो गया सेम इसी तरीके से बोला है कि डी के कंप्लीट होने से पहले एच और आपका ए का कंप्लीट होना जरूरी है तो एच के कंप्लीट होने के लिए आपका एच का कंप्लीट होना पहले जरूरी है तो दूसरा डमी पाथ की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा डमी पाथ डमी को हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं तो दूसरा डमी पाथ ये हो गया फिर कहता है कि K के कंप्लीट होने के पहले ए कंप्लीट होना चाहिए तो तीसरा डमी पाथ आपका ये हो जाएगा तो एक ये एक ये और एक ये तीन डमी पाथ हो जाएंगे यहां पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर इज सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैशिंग इज एवेंडनिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विथ ऑल पॉसिबल हेस्ट रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन फॉर अ फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विथ ऑल नीडफुल मॉडिफिकेशन तो क्रैशिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अपनी वीडियो में क्रैशिंग इज रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन फॉर अ फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज़ तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ़ एल जे इज़ लेटेस्ट अक्रंस्ट टाइम फॉर इवेंट जे ई आई इज द लेटेस्ट अक्रेंस टाइम फॉर इवेंट आई एंड टी आई जे इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आई जे देन वॉट इज द टोटल फ्लूट तो टोटल फ्लोट मैंने हर एक इसकी डेफिनेशन आपको बताई हुई है कि टोटल फ्लोट इज द मैक्सिमम अवेलेबल टाइम बाई विच एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है बेसिकली हम जो आपका टोटल फ्लोट होता है उसको हम एफ से शो करते हैं और ये आपका होता है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम और मैक्सिमम अवेलेबल टाइम आपका क्या है एल जे माइनस ई आई ठीक है और इसके ये आपका ये आपका टोटल हो जाता है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम और उसके बाद से माइनस एक्टिविटी टाइम एक्टिविटी टाइम आपका क्या दे रहा है टी आई जे तो इस फॉर्मूले के साथ आपका जो स्टे, स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो होगा आपका बी यहाँ पर ये यह मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है पर ई जे ना होकर यहाँ पर ई आई है तो डियर स्टूडेंट इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा ई आई ही ऑप्शन में है तो यहाँ पर ये यह मैंने 2018 के सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं पूरी आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी और समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू